गाजियाबाद पुलिस फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है और बदमाशों पर काला साया बनकर टूट रही है। विजयनगर इलाके में ड्यूटी छात्रा के साथ हुई लूट का खुलासा करने के साथ साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और 4 बदमाशों को पुलिस ने भागते हुए पकड़ लिया गया। इसी बीच एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की कॉम्बिंग में जुटी है। थाना विजयनगर में अब से कुछ देर पहले 100 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि वो ऑटो में बैठ के जा रही थी, ऑटो में बैठे हुए व्यक्ति थे वो उसके साथ लूटपाट करने लगे और उसने फिर एक सुनकर मेरे को उतार दिया था। इस सूचना पे थाना विजयनगर और पूरे नगर क्षेत्र के पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया और घेराबंदी की गई। जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे ऑटो का कुछ डिजिट महिला ने देख लिया था नंबर पे, उसके आधार पे घेराबंदी की गई। एक स्थान पर जाके ये ऑटो मिला और उसमें जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ है और बाकी 4 और उसके साथी पकड़ लिए गए। एक वहाँ से मौके पर भागने में फरार वहाँ से फरार हो निकला है। उसकी खोजबीन अभी की जा रही है। कॉम्बिंग पार्टी हमारी वहाँ निकली हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि ये ऑटो में सवारी बैठाकर कई दिनों से घटना कर रहे हैं। नोएडा से बैठाकर गाजियाबाद या अन्य क्षेत्र में ला के सवारी को उतार देते और इनसे विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है।